मैं वहां से जीत के आया। हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे माननीय प्रदीप जी पालीवाल, उनको मैंने हराया था। बच्चा जो आया था और बच्चे ने जब हाथ डाला था तो मैं कॉन्फिडेंस में था कि ये बच्चा मेरी गोटी निकालेगा और ठाकुर जी मेरा साथ देंगे। उस पर विश्वास कायम किया और मुझे नगर पालिका का चयन। हमारे वैचारिक मतभेद थे, बाकी पार्टी में जब भी संगठन ने काम दिया, जब भी चुनाव हुए हम सब एक होकर लड़े। कुछ हमारे ही लोग थे जो उस समय हमारे विरोध में हो गए थे, वो वापस पार्टी के साथ हो गए। आप देख रहे हैं गुजरात में मुख्यमंत्रियों के टिकट भी काट दिए, कोई किसी प्रकार का भ्रम में नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी है, जितनी लिस्ट आएगी सब एक होकर चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, संगठन का काम किया है। कोई आता है और सीधा उनको टिकट दिया जाता है तो संगठन में जो काम कर रहे हैं 33-35-35-40 साल से जो लोग काम कर रहे हैं संगठन के, कहाँ जाएंगे? हमारा कौन? हम जो अभी यहाँ के जो राजसमंद जिले विधानसभा से जो टिकट मांग रहे हैं, हम जो 4-5 लोग हैं, मैं हूँ, दिनेश जी हैं, गणेश जी है, महेंद्र जी है, हम लोग चाहते हैं। आप इधर दूसरे गुट के भाई साहब, हमने तो उस समय भी हाथ जोड़े थे, 18 साल से कह रहे हैं लोकल 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 को टिकट दो। दीप्ति जी भी हैं, अगर संगठन ने वापस दीप्ति जी को टिकट दिया तो? भाई साहब देखो, ये अब की बार आपको मैं भी बता रहा हूँ, पार्टी का काम है। कहने का मतलब बीजेपी में कुछ गद्दार है? नहीं, बीजेपी नहीं, पार्टी युद्ध की बात अलग है। कोई गुट नहीं होता है, कोई बाजी नहीं होती है। कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसके अलावा कोई गुट नहीं है, कोई बाजी। दो दिन से काफी फोन भी आ रहे हैं, मैसेज चल रहा है। हाँ। कि राजसमंद में एक बड़ी रैली निकाली जा रही है, ये निकाल कौन रहा है? कोई ये लोकल दावेदारी तो नहीं है सर? नहीं 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 भाई साहब, ये तो जो नजदीक आ रहे हैं दिन, तो धड़कने तो बढ़ रही होगी यार, क्या परिणाम आता है? किरण जी महेश्वरी राष्ट्रीय पदाधिकारी रही है और मैं उनसे टक्कर ले रहा था जो चुनाव सांसद का लड़ चुकी है। लोगों का क्या रुख है? लोगों का रुख है अब की बार किसी को भी लोकल को टिकट मिलना चाहिए। यह भी आप बॉर्डर से लगा दो, तो लोकल की जो बात आ रही है तो लोकल में ही आपने दिया जी का नाम लेना, तो वो भी तो जयपुर से नहीं, वो ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को भी टिकट देंगे तो 25,000 कार्यकर्ता जीत के जाएगा। तो फिर लोकल की बातें थी और एक लोकल चेहरा, लोकल नहीं, लोकल चेहरा तो लोकल होगा, लोकल चेहरा होगा। हम लोग कर रहे हैं ना, हमारा में पावर आएगा जितनी चीजें आपको दिखेगी, धरातल पे दिखेगी। जिस तरह से जनता का समर्थन अब की बार मिला है, उस तरह से पार्टी भी सोचने पे मजबूर है और आने वाला समय में कोई भी हो लोकल आदमी यहाँ से चुनाव लड़ेगा। मेरा मन अब की बार कह रहा है लोकल लड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हैं, तो दावेदार भी मैदान में डटे हुए हैं। इसी के तहत हम जयवर्धन न्यूज़ की विशेष मुहिम के तहत दावेदारों के दावे और दावेदारों की पृष्ठभूमि, दावेदार की पूरा बायोडाटा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि दावेदार भविष्य में आम जन के लिए वो क्या करने के दावे कर रहे हैं और किस दावों के साथ में वो जनता के बीच में जा रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ में राजसमंद विधानसभा से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं अशोक राका हमारे साथ में हैं। वो आप नगर पालिका राजसमंद में अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अलावा पार्टी में कई जिम्मेदारियां आपने निर्वहन की हैं और मुख्य रूप से आपने 2008 में भी दावेदारी की थी और उसके बाद लगातार दावेदारी कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि 2008 में जब आपने दावेदारी की थी, उस दावेदारी के दौरान राजसमंद के सभी सामाजिक संगठन, सभी प्रबुद्ध वर्ग के जो संगठन हैं, उन संगठनों ने भी इनके लिए लिख कर दिया था पार्टी को कि इन्हें टिकट दिया जाए, इन्हें विधायक बनाया जाए ताकि राजसमंद विधानसभा का समग्र विकास होगा। क्योंकि उससे पहले आप राजसमंद नगर पालिका के अध्यक्ष थे और उसी अध्यक्ष के कार्यकाल को देखते हुए राजसमंद शहर के लोगों ने व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी इनको खुलकर सपोर्ट किया और अलग अलग सामाजिक संस्थाएँ जो थी उन्होंने खुलकर भाजपा को लिखा कि उन्हें टिकट दिया जाए। हालांकि उस वक्त स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी को टिकट मिला था और इस बार फिर से सबसे बड़ा जो आज इस बार का जो मुद्दा है लोकल को टिकट दिया जाए और उसी के तहत अशोक राका के साथ में दिनेश बड़ाला का नाम है, महेंद्र कोठारी का नाम है, गणेश पालीवाल का नाम जो चर्चाओं में है और ये चारों जो दावेदार हैं एक तरह से ये अलग मुद्दे के साथ में लोकल की दावेदारी के साथ में मैदान में उतरे हुए हैं। तो दूसरी तरफ दीप्ति माहेश्वरी
मौजूदा विधायक हैं वो फिर से मैदान में हैं। हमारे साथ में अशोक जी हैं, अशोक जी से जुड़ते हैं। अशोक जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजसमंद में हुआ और मैं यहीं का निवासी हूँ। और मेरे पिताजी के व्यवसाय था, किराने की दुकान थी नए बाज़ार कांकोली में। हम पांच ही भाई लोग वहाँ उस दुकान से ही पढ़े लिखे हैं। उसके बाद हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो मार्बल मंडी में गए, और मार्बल मंडी में जाने के बाद हम धीरे धीरे एक एक जने गए, और अभी हमारे मार्बल का व्यवसाय है। और हम पांच भाई हैं, पांचों भाई साथ में रहते हैं, और पूरा बड़ा परिवार है और संयुक्त परिवार है हमारा। एक मुख्य रूप से आपका राजनीति में आने का कोई पहले सपना था या कोई कारोबार? हमारा पुराना मकान छिपा का मोहल्ला में था, तो हमारे यहाँ माननीय हमारे जो शाखा चलती थी, तो हमारे जो भाई साहब थे तो वो हमारे हम लोगों को सवेरे 5:30 बजे हमको जगा देते थे। तो उस समय हम बहुत छोटे थे, तब हम यहाँ गांधी पार्क और बस स्टैंड पे और वहाँ पर छोटे साहब के मकान के पास शाखा लगती थी, तो हम लोग बड़े उत्साह के साथ उस समय शाखा में जाते थे। तो हमारा एक ग्रुप था डायमंड ग्रुप, डायमंड ग्रुप के माध्यम से मैंने यहाँ नवरात्रि महोत्सव हमने शुरू करवाया था, और मैंने 25 साल तक नवरात्रि महोत्सव कराया। और नवरात्रि महोत्सव में आप सभी लोग उस समय उपलब्ध थे, आप लोगों के सहयोग से वहाँ जो आप देखते थे कम से कम इस राजसमंद के 10,000 लोग बिना निमंत्रण के, हमारे खाली एक आमंत्रण के तौर पर, हम मीडिया के तौर पर जो आमंत्रण देते थे, या हम जब बहुत पब्लिक सिटी के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहन हमारे यहाँ डांडिया रास करने के लिए आते थे। सामाजिक गतिविधियों में आप रहे, लेकिन मुख्य रूप से आपका शुरू से क्या लक्ष्य था कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ूं या राजनीति? नहीं, मेरा लक्ष्य था जनता की सेवा करनी है। और मेरा जब गुलाब जी भाई साहब राजसमंद आते थे, तो वो क्या उस समय एक एसडी मोटरसाइकिल जावा मोटरसाइकिल थी, वो लेकर गुलाब जी भाई साहब आते थे। तो पुराने कार्यकर्ता जो भानू जी पालीवाल है और मेजी भाई साहब के जो फादर हैं, उनके यहाँ जब वो यहाँ आते थे तो हमारी दुकान पे उनका आना लगा रहता था, गुलाजी भाई साहब का, तो हम उनके साथ जुड़ गए थे। 15-16 साल के थे तब वो आते थे। मतलब राजनीति में रुचि शुरू से रही है। रमेश जी भाई साहब हैं पालीवाल, वो जब पार्षद का चुनाव लड़ते थे तो हम लोगों को भी लगता था यार सबसे पहले टेबल हमारी लगानी है। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, एक एक घर से ईंटें लिए जा रही थी, तो यूँ लगा यार ये पार्टी सनातन की पार्टी, धर्म के प्रति पार्टी, और पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और अपने को भी पार्टी का काम करना चाहिए। कब जुड़े आप पार्टी से? मैं भाई साहब 15-16 साल का था और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे को करीबन मुझे याद है कि मैं 20 साल में पार्टी का नगर युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष था। उसके बाद मैं मुझे पार्टी ने नगर अध्यक्ष बनाया, नगर अध्यक्ष के बाद मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा का। उसके बाद मुझे कई हमारी जो पार्टी के जो कार्यक्रम आए प्रदेश से और अपने केंद्र से जो कार्यक्रम आए मोदी टी का ये है, तो इसका मुझे संयोजक बनाया। फिर मुझे पार्टी ने नगरपालिका चेयरमैन बनाया 2006 से लगा के 11 तक। ये 2006 में जब चुनाव हुआ नगरपालिका में, उस समय हमारे यहाँ में जो प्रवेशक आए थे और फर्स्ट चुनाव में लड़ा था गुड़ली से, आसूटिया से चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लगाकर आज दिन तक वहाँ कांग्रेस के ही पार्षद रहा है, क्योंकि वो जो सीट है वो इस तरह से सीट है पूरी, वो कांग्रेस की सीट ही है, पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास किया और मुझे टिकट दिया था। 2000 पार्षद के चुनाव थे, उस समय मुझे टिकट दिया, मैं वहाँ से जीत के आया। हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे माननीय प्रदीप जी पालीवाल, उनको मैंने हराया था। सेकंड चुनाव में आसूटे से लड़ा था, उस समय भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मुझे वहाँ से पार्टी ने कहा आपको लड़ना पड़ेगा, मैं चुनाव लड़ा, वहाँ से जीता और पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया। चेयरमैन का भी एक अलग किस्सा है, हाँ। उसमें भी गोटी पड़ी थी और आपका किस्मत खुला उसमें। रोचक कहानी ये है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, जिताया, और भारतीय जनता पार्टी के उस समय हमारे किरण जी यहाँ के प्रभारी थे, उस समय नगर पालिका की सीटें हमारे पास 13-14 ही थी, बहुमत के लिए सीट एक कम थी हमारी, पर हमारी एक बहन थी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने कहा कि मैं अशोक जी का साथ दूंगी, तो पार्टी ने मुझे मान सम्मान से चेयरमैन के लिए दावेदारी पेश की, तो बहन ने मेरा साथ दिया। और भी कुछ भाई लोग थे, उन्होंने भी उत्साह से किया था हम लोग साथ देंगे, पर हमारा जो टाइप हो गया वो 15-15 पे हो गया था। उसके बाद गोटी पड़ी हुई थी,
फिर एक बच्चा आया, उस बच्चे ने उसमें गोटी का मुकाबला आपके सामने कौन थे? मेरे साथ परमानंद जी पालीवाल थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व में कांग्रेस के चेयरमैन रहे हुए हैं। बच्चा जो आया था और बच्चे ने जब हाथ डाला था तो मैं कॉन्फिडेंस में था कि ये बच्चा मेरी गोटी निकालेगा और ठाकुर जी मेरा साथ देंगे, उस पर विश्वास कायम किया और मुझे नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। उस समय जो आपको पहले ये था उम्मीद थी कि मैं चेयरमैन? हाँ, मुझे उम्मीद थी। मेरे एक दोस्त हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। पार्षद का चुनाव जब लड़े थे? हाँ, मैं जब चुनाव लड़ा उसके पहले भी मुझे उम्मीद थी। आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। मकान का काम चल रहा था तो मेरे जिगरी दोस्त है प्रमोद जी गौड़, जो आज कार्यालय मंत्री है, तो मैं उनसे जब कोई बात होती तो मैं शेयर करता था। मैं साल भर से उनको कह रहा था, मैंने कहा यार देखो अब की बार मुझे ऐसा सुकून हो रहा है कि मुझे पार्टी चेयरमैन बनाएगी, और किसी और पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया। उसके बाद राजनीति की बातें आगे बढ़ती हैं, तो 2008 में आपने फिर मैं जब मेरा कार्यकाल था, यहाँ की जनता ने मेरा काम देखा और मैंने वो वादा निभाने का 99 प्रयास किया। आप यहाँ की शहर की जनता को पूछ सकते हैं ये आपको टिकट क्यों नहीं मिला? मैं जब चेयरमैन था, चेयरमैन होने के नाते मैंने सभी समाज को, ये जितने भी सामुदायिक भवन दिख रहे हैं आपको राजसमंद नगर पालिका क्षेत्र में, ये 30-35 सामुदायिक भवन जो हमने बनाए थे, ये जितने भी जो काम चल रहे हैं टेम्पू वगैरह जो ये चेयरमैन साहब और ये जो उद्घाटन कर रहे हैं ना, ये सब रूडीप का माध्यम है। ये जो आज दिन तक ये करोड़ों रुपए की योजना है, इसको और बढ़ाया है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। शहर के विकास के लिए सभी को एक होना चाहिए, तभी ये विकास होगा। जो किरण जी माहेश्वरी थे, विधायक थे, लेकिन एक राजसमंद में काफ़ी ये चीज़ें देखी जाती है बीजेपी में मुख्य रूप से, कि गुटबाजी की चर्चाएं काफ़ी रही, उसमें कटारिया जी और किरण जी के गुट, आप कटारी जी के गुट में आते हैं और दूसरे के, ये गुटबाजी नहीं होती भाई साहब। हम जब अब पार्टी की बैठकों और मीटिंगों और संगठन में देखते हैं, हम विचार परिवार से काम करते हैं, हम संगठन का काम करते हैं, संगठन हमारे लिए सर्वप्रिय है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इस यक्ष को लेकर हम इस राजनीति क्षेत्र में आए हैं, न हमारा कोई दूसरा कोई काम है। हम चाहते हैं जनता की सेवा किस प्रकार की जाए, किस प्रकार देश की सेवा की जाए, किस प्रकार इस शहर की सेवा की जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अशोक राका और किरण जी माहेश्वरी के उस समय तलखी देखी जाती थी। हाँ, तो कई बार हमारी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं मिलती, हम संगठन वाले कहते हैं भाई ये काम करना, और मैडम का अगर उसमें नहीं होता और उनके विचार में नहीं होता, वो जब करते हैं तो हमें यूँ लगता है हमें संगठन का काम करना। तो हमारे विचारिक मतभेद थे, पारिवारिक मतलब ये थे कि भाई हम कहीं विचार में मतभेद में थे, बाकी पार्टी में जब भी संगठन ने काम दिया, जब भी चुनाव हुए, हम सब एक होकर लड़े हैं। इसलिए हर बार कांग्रेस को हमने दरअस किया है, कांग्रेस को हर बार हमने इसलिए हराया। राजसमंद में आप जो कह रहे हो बिल्कुल आपका बीजेपी का बोर्ड रहा है, लेकिन इस बार पिछली बार में अशोक टांक आपके नाम राशि के हैं, वो सभापति बन गए और कांग्रेस का बोर्ड बन गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कहीं बीजेपी ये कुछ बातें आप जो पूछ रहे हो ये बाजार में आई है। कुछ हमारे ही लोग थे जो उस समय हमारे विरोध में हो गए थे, वो वापस पार्टी के साथ हो गए। ये इस तरह की जो परिभाषा चली है अभी 2-3 साल से देखने को मिला है हमें, पर ये जो गलत है। और पार्टी के खिलाफ जो भी काम करेगा वो पार्टी देख रही है, ऊपर से नीचे आजकल सैटेलाइट है। ये खींचादानी तो शहर से लेकर प्रदेश पे भी है, सब जगह देखी जा रही है। ऊपर भी ये तो चाहे मुख्यमंत्री अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देखें, या और जो पदाधिकारी गजेंद्र सिंह जी हो गए, या सीपी साहब अभी प्रदेशाध्यक्ष हैं, सभी यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं इनके भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब अच्छा होगा, हमारा संगठन सिद्धांतवादी है और संगठन के सभी लोग बैठ के मीटिंगें चल रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि खाली भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है, या देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं गुजरात में मुख्यमंत्रियों के टिकट भी काट दिए, कोई किसी प्रकार का भ्रम में नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी है, जितनी लिस्ट आएगी सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार आप भी दावेदारी कर रहे हैं प्रमुखता से, मैदान में उतरे हुए हैं, 2008 में भी उतरे, उसके बाद में भी आपने दावेदारी की, टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं दो बार का मलाल तो रहा होगा आपको? मलाल रहता है, भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, संगठन का काम किया है, कोई आता है
और सीधा उनको टिकट दिया जाता है, तो संगठन में जो काम कर रहे हैं 33-35-35-40 साल से जो लोग काम कर रहे हैं संगठन के कहाँ जाएंगे। हम सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ का जो उम्मीदवार है, कोई भी अब की बार हमारा जो उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों में से आप किसी को भी टिकट दो। हमारा कौन? हम जो अभी यहाँ के जो राजसमंद जिले विधानसभा से जो टिकट मांग रहे हैं, हम जो 4-5 लोग हैं, मैं हूँ, दिनेश जी हैं, गणेश जी है, महेंद्र जी है, हम लोग चाहते हैं भाई हमारे राजसमंद के लोगों को में से आप किसी को भी टिकट दो। किरण जी ने मानी 2 बार चुनाव लड़ा, तो हम लोगों ने मिलकर ये सभी लोग उस समय भी किरण जी के साथ ही थे और लोगों ने किरण जी के साथ मिलकर चुनाव हम लोगों ने मिलकर जिताया था। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। पहले एक चीज रहती थी, किरण जी जब थे तब महेंद्र जी हो या दिनेश जी बड़ाला हो, ये उनके करीबी थे, गणेश जी पालीवाल भी उनके करीबी थे, लेकिन आप इधर दूसरे गुट के। भाई साहब, हमने तो उस समय भी हाथ जोड़े थे, 18 साल से कह रहे हैं लोकल 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 को टिकट दो, और ये सब लोग अगर उस समय हमारे पास होते तो हम 5-10 साल पहले ही लोकल का टिकट आ जाता। और मैं तो चाहता हूँ कि भगवान अब की बार हमारे ऊपर वाले भी सुने और विधानसभा के लोग भी सुने, और हम सभी लोगों ने प्रयत्न किया है इतने सालों से, और अब की बार लोकल में किसी को भी टिकट दे, वो भी मेरे भाई हैं सब, महेश जी, महेंद्र जी हैं, पहले महेश जी पालीवाल ने भी टिकट मांगा था, उस समय वो सब लोग टिकट मांग रहे थे, उस समय मैं दावेदार था, और आज मेरे भाई जो मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब लोग हम, और टिकट दिया जाए किसी को भी दे, हम सब एक हैं, सब एक। जैसे दीप्ति जी भी हैं, अगर संगठन ने वापस दीप्ति जी को टिकट दिया तो? भाई साहब देखो, ये अब की बार आपको मैं भी बता रहा हूँ, कॉम्पिटेंस ये है कि टिकट इतना आया, पार्टी को सोचना पड़ेगा जिस तरह से अभी जो बातें हो रही है, और हमने जिला अध्यक्ष जी से भी बातें की है, संगठन ने ऊपर से भी बातें की है, और अभी संगठन भी पूरा प्रयास कर रहा है, और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि इतना दीप्ति जी के प्रति इतना यूँ विरोध क्यों है? विरोध नहीं है, काम करो ना, विरोध कर, हमने लोगों ने दिया ना साथ, जीता है ना, अभी हो गया, मान सम्मान रखा ना, पार्टी पब्लिक सबने रखा ना, एक समय एक मौका देना चाहिए ना लोकल को, क्या दिक्कत है? हमारी भी कोई ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि हमारा राजसमंद किस तरह बने, क्या बने, हमारे भी प्रोजेक्ट हैं। जब आए आपने कहा ना हमने 100 करोड़ रुपए का, आप बीजेपी कार्यकर्ता ही दो गुट में ऐसा है, तो वो कुछ कार्यकर्ता तो बोलते हैं कि लोकल का कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ बोलते हैं बिल्कुल लोकल का मुद्दा है, ये भी कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी हर जगह मिलेगी आपको, क्योंकि आज भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है ना, तो अपने को मालूम है पाकिस्तान का अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान से पहले अपने अंदर जो छुपे वो गद्दार है उनको भी अपने को संभालना पड़ेगा। तो सब जगह अलग अलग होते हैं, वो युद्ध की बात है या पार्टी का काम है? कहने का मतलब बीजेपी में कुछ गद्दार है? नहीं, बीजेपी नहीं, पार्टी, युद्ध की बात अलग है, युद्ध में गद्दार इसलिए कह सकते हैं कि देश की बात है, कोई गुट बुट काम में नहीं करते हैं। हमको तो किरण जी को टिकट दिया तन मन धन से, सबसे पहले मैं द्वारकाधीश मंदिर गया था, सभी लोग जानते हैं, कोई गुट नहीं होता है, कोई बाजी नहीं होती है, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसके अलावा कोई गुट नहीं है ना कोई बाजी। तो इस बार क्या लग रहा है ये भारतीय जनता, अगर आपके अलावा किसी दूसरे दावेदार को टिकट मिला तो? हम सब लोग लगेंगे, प्रयास करेंगे तन मन धन से, किसी को भी मिले टिकट हम सब लोग तन मन धन से तैयार है। किसी को मिल गया तो पार्टी काम करेंगे, पार्टी ने अगर करना पड़ेगा काम तो पार्टी की करना है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पार्टी का काम में करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रयास सब कर रहे हैं, हम लास्ट स्टेप तक प्रयास कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और एक सोशल मीडिया पे अभी दो दिन से काफी फोन भी आ रहे हैं, मैसेज चल रहा है कि राजसमंद में एक बड़ी रैली निकाली जा रही है, ये निकाल कौन रहा है, कोई ये लोकल दावेदारी तो नहीं है सब? नहीं 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 भाई साहब, ये यहाँ की जो जनता जो मांग कर रही है 18-20 साल से, या कि जनता की मांग है कि लोकल को टिकट मिले, मेरे भी ऐसा सुनने में आया कि जनता प्रयास कर रही है। मैं आज सुबह चौपाटी बाजार और चौराहे पे गया तो इस लोगों की चर्चा थी, मेरे भी फोन आया था, और नहीं हमने सुना है कि जो लोकल दावेदार हैं वो दावेदार ही ऐसी रैली करवा रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, लोकल दावेदार ने तो अपना दमखम सब दिखा दिया, जो दिखाना था हमने करना था, और हमारे जो जहाँ बात करनी थी हम लोगों ने कर ली, हम लोगों ने यहाँ से लगाकर दिल्ली तक जो हमारी बात करनी थी, संगठन विचार परिवार लोगों से बात करनी थी, हमारे नेताओं से बात करनी थी, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो सांसद महोदय हैं, जिनसे भी बात करनी थी, हम लोगों ने सबने की है। अब जो जो नजदीक आ रहे हैं दिन, तो धड़कने तो बढ़ रही होगी यार, क्या परिणाम आता है? परिणाम अच्छा होगा, दुनिया में जो ऊपर वाला कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मैं जब चेयरमैन बना था
किसी को मालूम नहीं थी फिर भाजपा का चेयरमैन बनेगा, किसी को मालूम नहीं थी। वो तो है, लेकिन जैसे 2008 में भी आपको पूरे समाज ने लिख के दे दिया था, आप भी दमखम के साथ मैदान में। बिल्कुल मैदान में है, पार्टी में किरण जी महेश्वरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय पदाधिकारी रही है और मैं उनसे टक्कर ले रहा था, जो चुनाव सांसद का लड़ चुकी है, एमएलए का चुनाव लड़ चुकी थी, वो उनका जो मान सम्मान था, उन्होंने जो पार्टी में काम किया, उन्होंने संगठन में काम किया, हम इसलिए उनकी इज्जत करते थे कि उन्होंने पार्टी और पार्टी का काम नीचे से लगाकर ऊपर तक किया, इसलिए वो पूछ नहीं थे कि यार हर समय हमको भी लगता था कि नहीं चलो अपने से बढ़े और मिल गया टिकट कोई बात नहीं, वो भी जब भी टिकट मिलता सबसे पहले मेरे घर पे आते थे, सबसे पहले मेरे घर पे आते थे। मुख्य रूप से जैसे दावेदारी की बात हो रही है, मैदान में जा रहे हो आप, शहर में भी जा रहे हो, गाँव में भी जा रहे हो, लोगों का क्या रुख है? लोगों का रुख है अब की बार किसी को भी लोकल को टिकट मिलना चाहिए, यह भी आप बॉर्डर से लगाकर इस बॉर्डर तक शहर की जनता के अंदर लोगों के मानस है कि जो काम हमारे यहाँ लोकल एमएलए बनता है तो उनकी जो भावना है, उनको जो मिलने का प्रयास है, उनकी जो बातें हैं, या और कुछ करना है, जैसे मार्बल मंडी का है, अभी हमारे दिया जी को धन्यवाद देंगे कि आपने वो रेल का जो अभी आपने देखा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट रेल का है, अभी आप गैस पाइपलाइन का देखें, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर हमारे दिया जी लाए हैं तो हमारा भी प्रयास है। ग्रास ये लोकल की जो बात आ रही है तो लोकल में ही आपने दिया जी का नाम लेना, तो वो भी तो जयपुर से नहीं, वो लोकसभा की बात है, उसमें 8 विधानसभा आती है, उसमें 8 विधानसभा आती है, जयपुर से आके चुनाव नहीं, तो जयपुर से आके तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, क्योंकि और ये एक विधानसभा की बात हो रही है जिसमें 2,45,000 वोट ही होते हैं, 2,41,000 से 45,000 बीच वोट हैं, और लोकसभा में लाख करोड़ों की तादाद में होते हैं, तो वहाँ अगर राज्यसभा में लोकल टिकट मांगेगा तो वो वैसे 7 बार ही गएंगे, तो वहाँ लोकसभा में कोई सेलिब्रिटी आ जाए राज्यसभा विधानसभा में तो विरोध नहीं। सेलिब्रिटी मतलब ये है कि राज्यसभा में अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो विधानसभा के हो रहे हैं, अभी लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद है, तो लोकसभा में बड़ा इसलिए चल सकता है, चेहरा आपको देखते हैं कभी भी कोई ऐसा चेहरा होता है, जैसे पहले हमारे यहाँ एक बार धर्मेंद्र जी का जैसे आपने नाम लिया तो वो एक हीरो है और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो फिर जमीनी स्तर पर एक्टिव तो नहीं रह पाए, ऐसे सेलिब्रिटी भी थी। अरे पर पार्टी को कई बार करना पड़ता है, आप संगठन का कार्यकर्ता 365 दिन पार्टी के लिए समर्पित रहता है। होगा एक बात बार बार आपके सभाओं में या लोकल दावेदार जो भी है उनके उसमें देखा जाता है कि, और हमने भी कई लोगों से भी बातचीत की, कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं हम क्या जिंदगी भर जहाज में तोकते फिरेंगे, ये बातें बहुत ज़्यादा ये बातें आ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी भी भावना है, क्योंकि वो 18-20 साल से मांग कर रहे हैं कि भाई हमको टिकट मिले, तो एक बार पार्टी को भी विचार करना चाहिए, लोकल को टिकट देना चाहिए, पार्टी की जीती हुई सीट है ये, कोई आप मिलो लोकल आदमी खड़ा होगा, मैं कह रहा हूँ आपको 25-30,000 वोट से जीते। तो फिर उपचुनाव के दौरान ये बात प्रभावी क्यों नहीं रही? उपचुनाव में दीप जी आए थे तब आप ये लोकल, उपचुनाव में हम लोगों ने बात को रखा था, पार्टी ने बात को सुना था, पर पूरे राजस्थान में जो टिकट दिए गए थे वो जो स्वर्गीय हो गए थे उनके परिवार से वो टिकट देने का प्लान बनाया था, तो उसमें प्रायोरिटी में वो थे कि भाई उससे पार्टी को होगा, जब किरण जी महेश्वरी चुनाव लड़े थे 25,000 वोट से भी जीते हैं, पहला चुनाव वो 5,400 वोट से भी जीते हैं, तो 2,500 वोट से पार्टी के कार्यकर्ता ही वहाँ तक लगे थे चुनाव को। उस उपचुनाव में अगर नए प्रत्याशी एकदम फ्रेश आते हैं और वो भी अगर एक तरह से उपचुनाव सरकार से भिड़े थे, गहलोत सरकार पूरी लग गई थी, तो यूं नहीं लग रहा है कि उस समय अगर सरकार में भी ये भारतीय ये सीट माननीय बंसीलाल जी खटीक थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, बंसीलाल जी खटीक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, फर्स्ट चुनाव लड़ने आए थे, हम साथ में थे उस दिन से, उनके साथ में थे, फिर मैं चेयरमैन था तो मेरे साथ ही वो अपने नगर पालिका के बाहर उसमें भाई साहब को बुला लिया था कि जनता को काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, तो बंसीलाल जी भाई साहब को चुनाव लड़ाया गया था, जब मेरे हिसाब से 22 या 25 लाख रुपए लगे थे और विधानसभा चुनाव हम 26-27 हज़ार वोट से जीते थे, तो ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को भी टिकट देंगे तो 25,000 कार्यकर्ता जीत के जाएगा। इस बार कांग्रेस तो कह रही है इस गढ़ को हम तोड़ देंगे, अरे इस बार कांग्रेस के जो दावेदार है 16 की सूची बन गई, आपके दावेदार भाई साहब सूची भले 7 की बनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, 200% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ भगवा लहराएगा, यहाँ जो काम है
वो आपको धरातल पे दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी हमारे जो संगठन है उनका भी अच्छा काम है और हम अवश्य जीतेंगे, 200% जीतेंगे। जीतने का तो वो आप कांग्रेस छोड़ दें, बैम भी निकाल दें, कांग्रेस कभी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे और इस पे लड़ाने का काम कर दिया, आज के नाम पे वोट लेते हैं। मैं तो एक बात बताता हूँ भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, 5 साल हो गए, 5 साल में राजसमंद के अंदर इतने जुलूस निकलते हैं, आप भी उसकी पूरी वीडियोग्राफी करते हैं, क्यों क्यों जब गणपति महोत्सव निकलता है तो ये सब ढाक दिए जाते हैं, क्यों क्यों जब अपने कोई कार्यक्रम होता है लाइटें बंद कर देते हैं, हमारे डीजे बंद कर देते हैं अपने संगठन। तो अगर संगठन की बात करें तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठनों में सभी धर्म सभी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम बीजेपी में है तो कांग्रेस में भी है और दलों में भी है, तो फिर ये धर्म कांग्रेस काली दुष्टिकरण की राजनीति करती है। आप जब भी देखेंगे हमारे कार्यक्रम होंगे, हिंदू समाज के कार्यक्रम होंगे, उस समय हर चीज बैंड होगी, इनका कोई भी कार्यक्रम हो कोई भी चीज बैंड नहीं होती, हमारा कोई भी कार्यक्रम हो 3 बार लेट जाएगी। इस बार तो गहलोत सरकार ने जो नए जिले बनाए हो या कैंप लगाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गहलोत साहब कह रहे हैं 2024 में बाकी के बचे हुए आदमी को मोबाइल दूंगा, अब उनको मालूम ही नहीं है सरकार तो आई नहीं रही, कहाँ से देंगे, घर से देंगे क्या, कहाँ से देंगे मोबाइल, तो पहले वसुंधरा जी ने बांटे थे। इसलिए कह रहा हूँ आपको, योजना धरातल पे होनी चाहिए, ये धरातल पे नहीं है। आप अशोक गहलोत के भी देख रहे हैं, अभी आपने मिर्ची पाउडर देखा होगा, देखा ना आपने मिर्ची पाउडर, अब ये ऐसे सामान बांट कर क्या वो लोग वोट लेने देंगे। आपने धरातल पे भी देखा भारतीय जनता पार्टी, हम भी रोज जा रहे हैं गाँवों में, जिस तरह से हमारी यात्राएं निकली, जिस तरह से हमारा कार्यक्रम हुए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, परिवर्तन संकल्प यात्रा के, तो राजसमंद शहर के भी वीडियो कांग्रेस वाले खूब वायरल कर रहे हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी रही। इसमें क्या हुआ, कांकुल बस स्टैंड पर सभा होगी, उनके नगर मंडल और प्रभारी उनको बनाया था अपने माननीय MLA साहब को, वाकई में उस तरह की आई तो उसमें विचार किया गया कि भाई पार्टी संगठन की तरफ से विचार किया गया कि भाई इतनी कम्पीट क्यों आई, तो ये विचार किया कि आगे कुंभलगढ़ जाते हैं तो कुंभलगढ़ में तो लोग आपके रथ के आगे सो गए, मतलब ये आक्रोश भी तो झेलना पड़ा। आक्रोश नहीं, कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, अब कार्यकर्ता, अब जैसे हमारे यहाँ है तो कई बार कार्यकर्ता आक्रोशित हो जाता है, कोई शालीनता से काम करता है तो कोई आक्रोशित हो गया कार्यकर्ता। कांग्रेस वाले तो यूं कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं आ रही है, इसलिए इनको टाइम से भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लेट आ रहे हैं ताकि पब्लिक सो जाए, फिर रात को आए नाथद्वारा की पब्लिक। तो आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में भाई साहब, अभी हमें मोदी की सभा में हम परसों जाके आए, आप भी थे सभा में, पब्लिक तो जब हम बुला रहे हैं 1 लाख पब्लिक 2-3 लाख आ रही है, तो ये सब जलवा ही है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का जलवा है, मोदी जी की तो है, तो मोदी जी है हमारा ब्रांड एम्बेसडर, मोदी जी है, मोदी जी के चेहरे पे कोई MLA सांसद कुछ नहीं है, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होंगे सब जगह, मोदी जी के नाम पे ही यहाँ वोट लेंगे, वोट मोदी जी के नाम पे ही लेंगे, लोकल चेहरा काम नहीं आएगा, लोकल चेहरा काम कुछ नहीं आएंगे, यहाँ मोदी जी है, अभी मोदी जी भी सब जगह कह गए पार्टी के रही ओनली फॉर मोदी, तो फिर लोकल की बातें थी हो रही है, लोकल चेहरा, लोकल नहीं, लोकल चेहरा तो लोकल होगा, लोकल चेहरा होगा, वोट मोदी के नाम पे लेने सबको, कोई विकास से, लोकल विकास से कोई लेन देना नहीं, विकास क्यों नहीं, विकास तो जो जीतेगा वो कराएगा, लोकल क्यों नहीं कराएगा, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी है मार्बल मंडी की है, राजसमंद झील भरने की ये जो योजनाएं हैं और हमारी जो कुछ और योजनाएं हैं, यहाँ उद्योग खुले, ये जो योजनाएं हैं बीजेपी में शायद मैनोफेस्टो में रटी रटाई है पिछले 20 दशक से लगातार यही उसमें, तो मांग हम लोग कर रहे हैं ना, हमारा में पावर आएगा जितनी, ये सब चीजें आपको दिखेगी धरातल पे दिखेगी, नहीं नहीं ये आपके जो भी विधायक दावेदार रहे उसमें ये तो करेंगे, क्योंकि देखो भाई साहब हम इसलिए कह रहे ना आपको, हमको लोकल को टिकट दिलाओ आप, हम लोकल में जो भी टिकट मांग रहे हैं आप दिला दो, और हम जो योजना है जो आप पूछ रहे हो 5 साल बाद हमारी गारंटी है, आप पूछ रहे हो कोई भी नहीं। आप कह रहे हो बड़े नेता थे किरण जी माहेश्वरी और बड़े नेता थे, तो जब नहीं कर पाए कांग्रेस नेताओं से जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं वो तो मिनिस्टर रहे तो भी पानी नहीं ला पाए, सदा ये पूर्व में भी मैंने आपको कहा है, आप जब भी पूछेंगे, क्योंकि हम संगठन का काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, नहीं ला पाए हमारा भी, हमको वो है गाली को, हम राजसमंद नहीं लेके आए, पर हम टिकट मांग रहे हैं, ठीक है हमको एक बार टिकट दिलाओ आप, पार्टी हमें टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, फिर ये जो समस्या है आपको लोकल की ये बार बार नहीं कहेंगे। ये आपके जो 4 जने हैं, उन 4 जनों में अशोक राघव की कौन से स्थान पे,
स्थान तो पार्टी तय करेगी, पार्टी स्थान कोई हम लोग तय नहीं करते, स्थान तो पार्टी तय करेगी। मैं ये बता रहा हूँ हमारे जितनी भी जो तिरंगा यात्रा, परिवर्तन यात्रा, मतलब पार्टी के जो बड़े पार्टी कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों के आप संयोजक रहे, सह संयोजक रहे। तो पार्टी ने इतने दायित्व, ये जो अभी के बता रहा हूँ मैं, जो अभी लेटेस्ट जो अभी साल दो साल में जो दायित्व आए पार्टी में, तो पार्टी ने मुझे हर समय जो दायित्व दिया है तो काम मैं करता हूँ, इसलिए पार्टी मुझे मान सम्मान देती है। पार्टी मान सम्मान देती है, मैं पार्टी पे खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग ये चाहते हैं भाई पार्टी का इतना काम करते हैं तो पार्टी में टिकट मांगने का भी हम लोग हकदार। अभी अभी आप या विधानसभा राजसमंद के लिए चुनौतीपूर्ण तो नहीं रहेगा? राजसमंद से कोई चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। संगठन पूरा देखता है, संगठन की नज़र रहती है, कौन आदमी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, 200% जीतेंगे। फिर भी अगर दीप्ति जी को टिकट मिल जाता है तो? पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, देखो टिकट पैसा आपकी बार सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, ऊपर सोचना पड़ेगा, लोग सोच रहे हैं, इसलिए अपन को अभी आप जो नीचे देख रहे हैं तो अपन वापस बी कैटेगरी में आ गए, क्योंकि ए कैटेगरी में जो सीटें बता रहे हैं उसमें राजसमंद का नाम नहीं है। तो कहीं कहीं सोचने में पार्टी भी मजबूर है, और पार्टी जिस तरह का देख रही है, पार्टी जिस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं और जिस तरह से जनता का समर्थन अब की बार मिला है, उस तरह से पार्टी भी सोचने पर मजबूर है, और पार्टी इसमें पूरा सोचेगी, और आने वाले समय में कोई भी हो लोकल आदमी यहाँ से चुनाव लड़ेगा। मेरा मन अब की बार कह रहा है लोकल लड़ेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक जी राका। मुख्य रूप से आपको शुरू से बता दिया है कि राजसमंद में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आप रह चुके हैं और पार्टी में कई अलग अलग दायित्व आपके पास रहे हैं, और उनके जीवन से जुड़े कुछ बातें करते हैं। इनके जो पिताजी का नाम है मन्नालाल जी राका, इनकी माँ शांता देवी राका, पत्नी है इनकी दीपिका राका, और इनका जो परिवार है मुख्य रूप से 5 भाइयों का परिवार है और संयुक्त परिवार है। मुख्य रूप से आपने जो आपका जन्म हुआ है कांकरोली में 6 सितंबर 1972 का आपका जन्म है, और जैन समाज से हैं, बीए आपकी शैक्षिक योग्यता है, और इसके अलावा मुख्य रूप से आपका व्यवसाय जो है मार्बल कारोबारी आप हैं, और शुरू से आपकी राजनीति में रुचि रही है। कहीं ना कहीं शुरू से आपको पार्टी में अलग अलग दायित्व शुरू से रहे हैं और लगातार पार्टी में एक्टिव रहे, उसी के तहत आप पहले पार्षद बने, उसके बाद अध्यक्ष बने, और उसके बाद अब विधायक की दावेदारी की दौड़ में हैं। आपको बता दें कि राजसमंद में इस बार अगर विधानसभा के चुनाव से पहले पार्टी की जो भी गतिविधियां रही हैं, जो भी कार्यक्रम रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के, उन कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं आपको जिला संयोजक सह संयोजक का दायित्व आपको जिम्मेदारी आपको दी गई है। वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और उसी के तहत दावेदारी भी कर रहे हैं। आपने बताया कि कुछ बातें जरूर संगठन में कुछ ऊंची नीची हो सकती हैं, लेकिन चुनाव जब होगा, टिकट जब मिलेगा, उस समय पूरी भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और उसमें निश्चित तौर पर जीत का दावा आप कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो लोकल दावेदारों की बात आई है, उसमें आप शुरू से एंड तक जितने भी बार मैंने सवाल किया उसमें आपका यही जवाब रहा कि इस बार लोकल को ही टिकट देने के लिए पार्टी को सोचना पड़ेगा। ये आपका दावा है, ये आपका आपको उम्मीद है, लेकिन आने वाले वक्त में पार्टी किसे टिकट देती है और टिकट के बाद क्या नतीजा रहता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम प्रयास करें दावेदारों से जुड़ें, दावेदारों की जर्नी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी तरह अलग अलग दावेदारों से हम फिर आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।